Now we are going to start chapter number 4, sensible spending. मतलब सोच समझ के किया हुआ खर्चा, sensible spending. अखिल, चांदनी, तिलक, रूबी एंड गीतू, ये 5 लोग हैं. ओके, went to go for an outing to the restaurant. एक रेस्टोरेंट में गए आउटिंग पर. अखिल, चांदनी एंड रूबी हैव 150 ईच. सो अखिल, चांदनी और रूबी के पास थे 150-50, तीनों के पास. लाइक 150 अखिल के पास, 150 चांदनी के पास एंड 150 रूबी के पास, राइट. वाइल तिलक एंड गीतू हैव 75 ईच. 75 तिलक एंड 75 गीतू. तो टोटल कितना हो गया इनका यहाँ पर? 600. ओके, सो 600 यहाँ पर टोटल इन्होंने पैसे इकट्ठे किए. दे ऑल पूल इन देयर मनी एंड ऑर्डर देयर फेवरेट फूड. इन्होंने अपने फेवरेट फूड ऑर्डर किया. ओके, सो दे ऑल पूल इन देयर मनी. सो इन्होंने पूल किया अपना मनी, सारा मिलाया एक साथ, 600 रुपये हुए इनके पास और फिर इन्होंने फूड ऑर्डर किया. सो इन्होंने क्या ऑर्डर किया बच्चों? इन्होंने ऑर्डर किया मसाला डोसा, हॉट कॉफी एंड ब्लैक फॉरेस्ट विद आइसक्रीम, राइट. सो इन्होंने ये ऑर्डर किया. सपोज कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं, ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. इमेजिन योर सेल्फ टू बी तिलक. समझो कि आप तिलक हो. ओके, प्लान अ ग्रुप ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड फिल द टेबल गिवन बिलो. आपको ये टेबल फिल करना है जो यहाँ पर दिया हुआ है. ओके, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट सो दैट यू डू नॉट रन शॉर्ट ऑफ मनी. आपको टोटल अमाउंट भी कैलकुलेट करना है ताकि आपके पास पैसे कम ना पड़े. एंड चेंज योर ऑर्डर इफ़ नीडेड. और आप अपना ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो, राइट. सो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि तिलक क्या ऑर्डर करने वाला है, राइट. सो हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा. हॉट कॉफी एंड आइसक्रीम. 5 मसाला डोसा ऑर्डर किया है. ओके, 5 हॉट कॉफी बिकॉज वो 5 लोग हैं. एंड आइसक्रीम भी हमने 5 ऑर्डर की है. अब मसाला डोसा था हमारा 45 रुपीस का, कॉफ़ी 25 एंड आइसक्रीम वॉज 35. ये ईच, एक मसाला डोसा 45 का था, एक हॉट कॉफ़ी हमारी 25 की थी और एक आइसक्रीम हमारी 35 की थी. तो अब हमने 5 मसाला डोसा ऑर्डर करा है तो हमारा अमाउंट बनता है 225, राइट. हमने 5 कॉफ़ी ऑर्डर करी है तो हमारा अमाउंट बनता है 125. और हमने 5 आइसक्रीम ऑर्डर करी हैं तो हमारा अमाउंट बनता है 175, राइट. ओके, इतना ही अमाउंट बनता है ना. अब हम इसे टोटल कर लेते हैं. 5, 5, 10, 5, 15, 1. ओके, 7 and 1, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4 and 5. 525, राइट. सो इस तरह से हमारा टोटल बिल है 525 और इन पांचों के पास पैसे थे 600. ओके, सो अब आप ये याद रखेंगे कितना बिल बना हमारा, 525. बच्चों आप अपनी मर्जी से भी इसको टेबल को बना सकते हैं. आप अपनी मर्जी से आइटम लिख सकते हो. यहाँ पर आपको क्वांटिटी लिखनी है कि आपने कितनी आइटम्स मंगाई, और या फिर यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है और फिर यहाँ पर टोटल भी लिखना है. ओके, सो इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट, अब जो मैंने टेबल बनाया है उसके हिसाब से वी विल फिल दिस. ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल? तो क्या आया मेरे टोटल बिल का अमाउंट? 525
रुपीज। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ यू, तो कितना बचा मेरे पास, 75 रुपीज मेरे पास बच गए। वॉट कैन यू डू विद द रिमेनिंग मनी इफ यू हैव, अब हम इन पैसों से क्या कर सकती हूँ मैं जो मेरे पास ये बचे हैं, जो इन लोगों के पास ये पैसे बचे थे। सो मैं चॉकलेट्स खरीद सकती हूँ। ओके, मैनी चिल्ड्रन वेस्ट फूड बाय ऑर्डरिंग मोर देन दे ईट। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर ऑर्डर कर लेते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं, वेस्ट कर देते हैं फूड को। हाउ मच सरप्लस ऑर्डर डिड यू प्लेस, मैंने कोई सरप्लस ऑर्डर प्लेस नहीं किया, मैंने तो सब कुछ, आई ऑर्डर्ड एंड डिड नॉट वेस्ट, लेकिन हमने कुछ वेस्ट नहीं किया, हमने सब कुछ खाया। Could you have saved more money? क्या हम और मनी बचा सकते थे? Yes, हम मनी बचा सकते थे। Was it necessary to spend that much? नहीं, इतना नहीं था। Give reasons to support your points. हम 5 डोसों की जगह 3 डोसे भी मंगा सकते थे और 5 जने मिलके खा सकते थे, right? या हम 5 आइसक्रीम की जगह 3 या 4 आइसक्रीम भी ले सकते थे and we could have shared it. ओके, हम उसे शेयर कर सकते थे। तो इस तरह से जो भी आप टेबल बनाएंगे उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ओके, सो इससे हमें क्या पता चलेगा बच्चों, स्पेंड मनी वाइजली, कि हमारा जो पैसा है हम उसे वाइजली खर्च करें, बुद्धिमानी से खर्च करें। ओके, ऐसा नहीं है कि बस खर्च कर दिया और कुछ सोचा समझा, नहीं। मनी स्पेंड वाइजली विल हेल्प यू गेट मोर बाय पेइंग लेस। तो पैसे वाइजली स्पेंड करना, खर्च करना हमें हेल्प करेगा किससे, पेइंग लेस, लेस खर्च करने से। ओके, सो स्पेंड मनी केयरफुली, बजट योर एक्सपेंसेस बिफोर स्पेंडिंग मनी। पैसा खर्च करने से पहले अपने बजट को, अपने एक्सपेंसेस को आप बजट करें। ओके, उसके खर्चों के बारे में एक बजट बनाएं। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी रुपी स्पेंट, हर एक रुपया जो आप खर्च करते हो उसका एक रिकॉर्ड बनाओ। मेंटेन एन अमाउंट ऑफ योर वीकली और मंथली एक्सपेंसेस, अपने मेंटेन एन अकाउंट, एक अकाउंट बनाएं आप अपने वीकली और मंथली एक्सपेंसेस का, कि महीने में मेरा इतना खर्चा होता है या वीक में मेरा इतना खर्चा होता है, इन सब का आपको एक अकाउंट मेंटेन करना चाहिए। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड्स वॉन्ट्स एंड विशेस, अपनी नीड्स, अपनी ज़रूरत, अपनी वॉन्ट्स, अपनी चाहत और अपनी इच्छाओं, विशेस के बीच में डिफरेंसेस को समझे बच्चों, क्योंकि नीड पूरी करना इज द प्रायोरिटी। सबसे पहले हमें अपनी नीड्स पूरी करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज उनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन आउटिंग, अगर आप किसी आउटिंग पे जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, सेव सम मनी एंड यूज़ इट फॉर अनदर आउटिंग, तो तब आप कुछ पैसा बचा लो और उसे दूसरी आउटिंग के लिए यूज़ करो, राइट? This way, इस तरह से you can have 2 outings instead of 1. इस तरह से आपके पास 2 outings हो जाएंगी करने के लिए बजाय के 1 के. Learn to save money and make it grow. पैसे कमाना और पैसे बचाना सीखो। याद करो कैसे आप पैसे बचा सकते हो, सीखो इस चीज़ को और कैसे अपने बचे हुए पैसे को बढ़ा सकते हो। हेल्प द नीडी, नीडी की हेल्प करें, पुअर की हेल्प करें, बाय डोनेटिंग अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर पॉकेट मनी, अपनी पॉकेट मनी से एक छोटी सी परसेंटेज निकालें, अलग करें हर बार और उससे किसी पुअर या नीडी की हेल्प करें, बिकॉज आफ्टर ऑल वी नीड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, राइट? सो इस तरह से बच्चों जब आप सोच समझ के खर्च करोगे, कहीं आउटिंग पे जाओगे, मेन्यू कार्ड जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, उसमें से सोच के खर्च करोगे, शेयर करके खा लोगे, तो आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं, राइट?